हंसराज विश्वकर्मा, भारतीय जनता पार्टी, जिला अध्यक्ष वाराणसी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से, काशीवासियों से? आज हम तो यही कहना चाहेंगे, हमारा देश पूरा उनके प्रति एकदम संवेदनशील है, उनके प्रति आभार है कि जो उनका सपना था, जिसके लिए उन अपने जीवन को प्राण दे दिया उन्होंने जम्मू कश्मीर में, कि एक निशान एक संविधान, दो संविधान दो निशान, दो विधान नहीं चलेगा देश के अंदर। उन्होंने ये आह्वान करके जम्मू के तरफ गए थे और वहीं पर उनकी जो है मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके बलिदान को हमारे वाराणसी के यशस्वी सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस सपनों को पूरा किया, 370 धारा हटाया, 35A हटाया। निश्चित तौर पर आज पूरा देश खुशहाल है और अपने श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस जन्म दिवस के अवसर पर निश्चित तौर और इसी तरह से देश के अंदर सभी लोग जन्मे और देश के लिए काम किए, जो उन्होंने काम किया, आज उनके सपनों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उनकी मंत्रिमंडल ने, माननीय अमित शाह जी ने पूरा किया है, इसलिए सभी लोग आज बहुत खुशी में। उनके उपलक्ष्य में आज हम लोग वृक्षारोपण भी करेंगे, बाकी जो उन्होंने देश के लिए, देश के बारे में, देश के एकता के लिए, देश के अखंडता के लिए उन्होंने जो काम किया, उसके लिए हम लोग सदा आभारी रहेंगे। जिला पंचायत पूरे उत्तर प्रदेश में 75 सीट में से 67 सीट भाजपा जीती है। हाँ, आगामी 8 तारीख को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, उसमें ग्रामवासी जो मतदाता हैं उनसे क्या करना चाहिए? देखिए, ये है कि हमारे प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था, 2014 में जब प्रधानमंत्री का शपथ लेकर लाल किले के मैदान पर जब झंडा फहराने का काम उन्होंने किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये सरकार जो बनी है गरीबों के लिए बनी है, गांव के लिए बनी है, गांव के किसानों के लिए बनी है। आज उस वो चरितार्थ 60 साल पूरा हुआ हमारे प्रधानमंत्री का। निश्चित तौर पर गांव के किसान भी खुशहाल हैं, देश की गरीबी भी दूर हो रही है और देश के गरीबों के जनता के लिए काम हो रहा है। कोरोना महामारी में भी प्रधानमंत्री ने काम किया है। निश्चित तौर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, हमारा केंद्र में सरकार है, आदित्य योगीनाथ जी जो अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, बराबर जो है पूरा उत्तर प्रदेश के जनता के प्रति संवेदनशील है, हर काम में रुचि लेकर स्वयं भाग लेकर अपनी जो टीम है उस टीम का विस्तार करके उन्होंने आज काम किया है। उसी का परिणाम है कि आज जो है पंचायत चुनाव में ग्रामीण अंचल में भी, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे जिस भी हो, बुंदेलखंड में आज जानते हैं आप सभी लोग कि कई वर्षों तक हाहाकार पानी के लिए मचता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने वहाँ पानी की जो व्यवस्था बनाया, आदित्य योगी जी ने जो सिस्टम बना दिया वहाँ पानी का, आज वहाँ भी खुशहाली है। इसलिए पश्चिम से लेकर उत्तर तक, पूर्वी से लेकर दक्षिण तक, चारों तरफ बीजेपी का डंका बज रहा है और निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव में जो हम लोगों ने किया है, जो जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, वो ब्लॉक प्रमुखी में भी जो 826 ब्लॉक प्रमुख हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, निश्चित तौर पर वाराणसी जिले में 8 ब्लॉक प्रमुख हैं, 8 ब्लॉक प्रमुख हम लोग जीतने जा रहे हैं।